गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारी जीके की वर्कशीट है। डेट हमारी है 29 अक्टूबर 2021। क्लास हमारी 102 है, ठीक है। तो आज हम चलिए अब हम अपनी वर्कशीट नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है इनको। ओमनिवर्स, ओमनिवर्स क्या है? बियर, इनमें से बियर ओमनिवर्स है, तो हमने बियर को कर दिया। प्लांट ईटर, प्लांट ईटर गोट एक प्लांट ईटर है, तो इस पे फ्लैश ईटर टाइगर। रबर, जो रबर कहाँ से मिलते हैं? प्लांट, एक रबर एक प्लांट प्रोडक्ट है, हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, नेम एनी 6 रेप्टाइल्स। आपको रेप्टाइल्स के नाम लिखने हैं 6। स्नेक हो गया, टर्टल, कमेलियन, क्रोकोडाइल्स और लेजर्ड, ठीक है। स्नेक की जगह यहाँ पे स्नेक नहीं आएगा, एक फ्रॉग, ठीक है, क्रोकोडाइल, ये हमारे क्या है? रेप्टाइल्स है। क्वेश्चन 3 है, फिल मिसिंग लेटर। आपको क्या करना है? फिल मिसिंग लेटर को फिल करना है। ये क्या है? स्नेक एन। ये क्या है हमारा? लेजार्ड। सो एल, एलिगेट, मंकी, ठीक है, इसको हम फिल कर लेंगे। क्वेश्चन 4 है, ट्रू और फॉल्स। रेप्टाइल्स हैव फेदर्स, सो ये फॉल्स है, रेप्टाइल्स के फेदर्स नहीं होते हैं। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन, जो रेप्टाइल्स हैं उनकी जो ड्राई होती है और स्केली स्किन होती है, तो ट्रू। टर्टल्स एंड टोटोइज आर रेप्टाइल्स, जो टर्टल और टोटोइज हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं, ट्रू। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, उनका जो खून होता है वो ठंडा होता है, तो ट्रू। रेप्टाइल्स लिव ऑन लैंड इन वाटर, वो रेप्टाइल्स वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी, सो ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, आपको करेक्ट वर्ड्स के साथ करना है, ठीक है। ये टैग ब्लैंक है, बर्ड फिश आर एनिमल्स विद विंग्स, बर्ड्स आर एनिमल्स विद विंग्स, इंसेक्ट आर एनिमल्स विद डैश लेग्स। इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें आप देखोगे कोमलिसम में कितने होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। सी, डैश कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। डैश इनमें से वाटर में भी उतना ही रह सकता है जितना लैंड पे रह सकता है, सो क्रोकोडाइल। क्वेश्चन 6 है, सी द पिक्चर एंड फिल देयर नेम्स। आपको क्या करना है? इनके नेम फिल करने हैं। ये क्या हमारा? टर्टल है और ये हमारा स्नेक है। आप इनके नाम फिल कर लोगे, ठीक है। ये हमारी जीके की वर्कशीट कंप्लीट होती है। हम करते हैं अपनी कंप्यूटर की वर्कशीट, ठीक है। डेट हमारी 29 अक्टूबर 2021 है। होम वर्कशीट हमारी 5 है। टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर पार्ट्स, ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। मॉनिटर इज एन डैश डिवाइस, जो मॉनिटर है वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? तो आउटपुट डिवाइस है। कीज आर स्मॉल ऑन द कीबोर्ड, जो कीज है वो क्या होती है? बॉक्सेज होती है या बटन होती है? तो बटन्स होती हैं। अ डैश हेल्प्स टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द वर्क, क्या प्रिंट आउट करने में मदद करता है? माउस या प्रिंटर? सो प्रिंटर, प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं ना। क्वेश्चन 4, स्पीकर हेल्प्स यू टू डैश म्यूजिक, स्पीकर क्या करता है? हमें हेल्प करता है लिसन म्यूजिक करने के लिए। अ स्कैनर लुक्स लाइक अ डैश मशीन, जो स्कैनर वो किसके तरह, कौन से मशीन की तरह दिखता है? फोटोस्टेट की तरह, ठीक है। क्वेश्चन 2, सर्कल द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आपको क्या करना है? मेन पार्ट को सर्कल करना है। तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू है, ये जो ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपको फिल करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, द स्मॉल बटन्स ऑफ द कीबोर्ड आर नोन एज, जो कीबोर्ड पे जो स्मॉल बटन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर हेल्प्स यू टू लिसन म्यूजिक, पीछे भी आया था, ठीक है। तो स्पीकर हमें क्या करता है? लिसन म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में मदद करता है। आ माइक्रोफोन रिकॉर्ड्स योर वॉइस इन द डैश, मतलब जो माइक्रोफोन है वो तुम्हें तुम्हारी वॉइस को कहाँ रिकॉर्ड करता है? मॉनिटर में या कंप्यूटर में? कंप्यूटर में। सीपीयू हेल्प्स द कंप्यूटर टू डैश ऑल द वर्क, करेक्ट या परफॉर्म? सो सीपीयू हमारा जो वर्क है उसको परफॉर्म करता है। पुट द साइन राइट विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड पुट रॉन्ग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। प्रिंटर, जो प्रिंटर है हमारा वो क्या आप कंप्यूटर का पार्ट है? हाँ। आयरन, नो, आयरन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। सीपीयू है। मशीन, नो। स्कैनर, यस। पेन नहीं है। कीबोर्ड, हाँ पार्ट है। टाइपराइटर, टाइपराइटर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। हेडफोन,
हेडफोन भी नहीं है, टेलीविज़न टेलीविज़न भी नहीं है, यूपीएस ये भी नहीं है, माउस है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्यूटर की वर्कशीट यही एंड होती है। थैंक यू।